हेलो गाइस, तो कल का दिन मतलब 13 अप्रैल 2018 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बुरा दिन रहा। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए भी एक बुरा दिन कहा जा सकता है। पहले हम देखते हैं BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नोटिफिकेशन को। तो हम देख सकते हैं जो एग्जाम 15 अप्रैल 2018 को था वो कैंसिल कर दिया। कैंसल होने की वजह से ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डीमोटिवेशन हो गई, क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे और अचानक से एक दो दिन पहले अगर उनको ये खबर मिले कि एग्जाम कैंसिल हो गया तो ये एक डीमोटिवेशन हो सकता है स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन सेंटर्स दूर पड़े थे वो पहले से निकल जाते हैं अपने घर से एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ, अगर वो दूसरे शहर में या फिर दूसरी जगह पर हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से निकल गए होंगे या निकलने वाले होंगे तो उन्हें अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट्स के लिए एक डीमोटिवेशन होता है। तो नई डेट आ जाएगी, आप चिंता मत करो, नई डेट्स आते ही मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर लो। अब बात करते हैं SSC JEE की। कल मतलब 13 अप्रैल को SSC JEE का रिजल्ट निकला। रिजल्ट में ये देखा गया कि कट ऑफ जो इस साल का कट ऑफ था वो पिछले कई साल से ज़्यादा था, और ज़्यादा मतलब 2-3 मार्क्स या 5 मार्क्स ज़्यादा है, 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ। अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप देखो कितना डिफरेंस है, जनरल OBC SC ST सबके कट ऑफ में डिफरेंस है। वैसे मैकेनिकल की बात करें या इलेक्ट्रिकल दोनों के कट ऑफ में देखो डिफरेंस है, 2016 और 2017-18 का एग्जाम का देखो तो कट ऑफ ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वो कट ऑफ कम सोच कर अपनी तैयारी कर रहे थे। और अब अगर वैकेंसीज की बात करें, इस साल जो वैकेंसी SSC JEE ने अपनी वैकेंसी निकाली है तो पिछले साल की कंपैरिजन में मतलब पिछले कई सालों के कंपैरिजन में बहुत कम, हम लोग कह सकते हैं उसका 1/3 या 1/4। आप देखो इस साल जो वैकेंसी निकली है टोटल, आप देखो इतनी टोटल अगर आप देखो तो 362 वैकेंसीज हैं सारे ब्रांचेस को मिलाकर। अगर 2016, 2015 और 2014 की बात करें तो आप देखो वैकेंसीज कितनी ज़्यादा थी, इस साल वैकेंसीज बहुत कम निकली है, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गई है। तो कट ऑफ बढ़ने की वजह से बहुत स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक डीमोटिवेशन साबित हुई। तो अब अगर DMRC की बात करें मतलब दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की, तो उसका जो एग्ज़ाम था इस बार जो इसका क्वेश्चन पैटर्न आया वो पिछले कई सालों से उसका पैटर्न डिफरेंट निकला। जैसे हम लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का इस बार स्ट्रक्चर और स्टील से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ना ही RCC से क्वेश्चन आए। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे पिछले साल के हिसाब से तो उनके लिए एक शॉकिंग बात थी, क्योंकि प्रिपरेशन करते वक्त उन लोगों ने उस सब्जेक्ट पर ध्यान दिया था बट उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया ही नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कल का दिन मतलब 13 अप्रैल एक पूरा दिन था इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए। तो होप करते हैं अगले साल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि SSC JEE इस बार भले ही वैकेंसीज कम निकाले बट अगले साल इलेक्शंस आने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगले साल जो वैकेंसी निकलेगी वो तो पिछले साल से बहुत ज़्यादा निकलेगी। अगर 2016 की डेट 1200 अगर है वैकेंसीज तो इस बार मेरे ख्याल से 1500 के ऊपर तो वैकेंसी निकलेगी, इलेक्शन की वजह से वो लोग वैकेंसी पा रहे हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने मिल जाए, आपको मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन आगे भी देता रहूँगा। थैंक यू।